छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय की। जी हां, बात जो है ग्वालियर की है। ग्वालियर में रेत और पत्थर माफिया की करतूतें गाहे बगाहे चर्चा में आती रहती है, लेकिन बीती रात उसकी जो हरकत प्रकाश में आई है उससे न केवल ग्वालियर बल्कि भोपाल तक में खलबली मची हुई है। ग्वालियर पुलिस ने रात को एक युवक को दबोचा जो एक ट्रेनी लेडी आईपीएस अफसर अनु बेनीवाल की लगातार लोकेशन ट्रेस करके खनन माफिया तक पहुंचाता था। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनी अधिकारी अनु बेनीवाल की पोस्टिंग अभी अभी ग्वालियर में हुई है और वो बिजौली में थाना प्रभारी के रूप में जो है वो नियुक्त की गई हैं। इस इलाके से अवैध रेत खनन होकर के निकलता है। वो बीते कुछ दिनों से ऐसे रेत से भरे दर्जनों ट्रैक्टर पकड़कर कार्रवाई कर चुकी हैं। इससे रेत माफिया परेशान हो गया। अब इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और खुद आईपीएस अनु बेनीवाल जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्या घटना हुई है वहां पर? घटना इस प्रकार है कि अभी मेरा थाना प्रभारी पीरियड चल रहा है यहाँ पे थाना बिजौली में, तो यहाँ पे माइनिंग का थोड़ा काम ज्यादा है। बेसिकली स्टोन क्रशिंग होती है, तो क्रशर्स हैं काफी सारे और डंपर्स चलते हैं, डे एंड नाइट एक्टिविटी होती है। तो डंपर्स जो है या वो बिना रॉयल्टी के रहते हैं या फिर वो ओवरलोडिंग के रहते हैं, तो जिस हिसाब से कार्रवाई होती है, तो जब जब हम उनको पकड़ पाते हैं तो उसमें जो है पकड़ के उनको या तो माइनिंग के हवाले कर दिया जाता है अगर रॉयल्टी नहीं होती है, या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत उन पे कार्रवाई होती है। तो ये लगातार चल रहा था, तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सूत्रों के हवाले से भी खबर थी कि मेरी लोकेशन जो है कुछ लोग ट्रेस कर रहे थे मेरे, मैं कहाँ से आ रही हूँ कहाँ से जा रही हूँ वो चीज बताई जाती थी। तो इसी में ही कल शाम को हमें एक स्विफ्ट गाड़ी मिली थी जो कि कई दिन से मेरी गाड़ी के आसपास घूम रही थी, तो उनसे इनको पकड़ा था। आमिर खान नाम है इनका। तो जैसे ही इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने मेरे आरक्षक के साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, तो इनको थाने में लेके आए थे। तो उसके बाद इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है इन्हीं के फोन में जहाँ पे ये मेरी लोकेशन बताते रहते हैं और मेरा पीछा करते हैं ताकि अपने डंपर्स और बाकी डंपर्स वालों को मदद कर सके, जिसके हिसाब से ये बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग के डंपर्स जो है आराम से निकाल सके। तो इसका मतलब एक आईपीएस अफसर की ही जासूसी की जा रही थी, मतलब इसका मतलब है कि इस खनन माफियाओं का हिम्मत तो देखिए आप। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि हिम्मत कह लीजिए जो भी, इनको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें ज्यादातर जो है गलत काम है, ओवरलोडिंग लेके जाना और बिना रॉयल्टी के लिए लेके जाना, तो ये अपने उसी इलीगल एक्टिविटीज को कवर करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो है मेरी लोकेशन के हिसाब से काम कर रहे थे। जैसे अगर मैं किसी टाइम अगर एक घंटा में इधर उधर हूँ, फील्ड में हूँ, तो उस समय जो है ये डंपर्स निकाल लेते थे। मैडम, इस इलाके में ढेरों इस तरह के वारदात पहले भी हो चुके हैं। कई जगह तो हमने देखा है कि जो है वो डंपर चढ़ा दिए जाते हैं, यदि कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस बल रोकना भी चाहता है तो उसके ऊपर डंपर चढ़ा करके मार भी दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक काम हो गया है और इनको काबू करना भी एक 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 बहुत बड़ी चुनौती है। ये है, मतलब ऐसा है कि डंपर्स ज्यादा हैं और स्पीड में भी रहते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो वो पहले भी पुलिस अधिकारियों को जो है इसके इनकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। पर ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई पूरी होती रहेगी और ऐसे छोटी मोटी चीजों की वजह से किसी भी पुलिस अधिकारी का मनोबल डाउन नहीं होता है, कार्रवाई वैसी चलती रहेगी। हमारे पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, वी हैव बॉडीली ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस और भी बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो ये उसमें एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ, और उसमें अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं उसके बाद इनको लगता है कि कार्रवाई बंद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे सारे सीनियर्स भी बहुत ही हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे एसपी सर, एडिशनल एसपी सर, डीआईजी मैम, आईजी सर, तो हमारी कार्रवाई पूरे अच्छे से चलती रहेगी, सब कुछ ऐसे ही कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, यही मैं अगला सवाल पूछने वाला था कि आपको कितना अपने विभाग का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नेक्सस है, तो ये नेक्सस जो है काफी ऊपर तक जाता है, उसके उसके बिना हो नहीं सकता है ये।
मेरे विभाग का मेरे को 120% सपोर्ट है। मेरे सीनियर्स मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, कुछ भी होता है मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरी सेफ्टी की पूरी चिंता करते हैं कि मेरे साथ गनमैन है कि नहीं है, मेरे पास वेपन है कि नहीं है, तो पूरी चिंता करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं, तो कोई भी मुझे उस टाइप की कोई परेशानी नहीं है, और उनका मोटिवेशन है इसीलिए मैं काम कर पा रही हूँ। मैडम, एक एक थोड़ा अलग हट के सवाल है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि अब आप जो हैं एक रोल मॉडल हैं उन तमाम लड़कियों के लिए, लड़कियों की क्या बोलें, वो जो युवा हैं जो तैयारी करते हैं उन सब के लिए आप रोल मॉडल होने वाली हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी क्या स्ट्रगल रही यहाँ तक पहुँचने में। रोल मॉडल तो मतलब ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, यूपीएससी एक एग्जाम है, वन ऑफ द एग्जाम्स है, टफ है, उसमें हर साल बहुत सारे आईपीएस आईएएस निकलते हैं, तो आई एम जस्ट वन ऑफ देम। स्ट्रगल का तो बस इतना ही है कि एक छोटे से गांव से निकल के आती हूँ, दिल्ली देहात से, पीतमपुरा गांव है एक छोटा सा, वहां से निकली हूँ और ज्वाइंट फैमिली से आई हूँ, बचपन मेरा भैंसों में बीता है तो वैसे परिवार से बिलोंग करती हूँ, पर ठीक है। मेरे ख्याल से हर एक आईपीएस आईएएस जो बनता है वो स्ट्रगल स्टोरी सबकी ही होती है, तो एक वही नॉर्मल स्ट्रगल स्टोरी मेरी भी है। बाकी ठीक है, बीइंग अ लेडी ऑफिसर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे लोग आपको थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, एंड कमिंग इनटू यूनिफॉर्म सर्विसेज आपकी चॉइसेस को थोड़ा सा टारगेट करते हैं, जैसे बीइंग अ लेडी ऑफिसर मतलब आईपीएस वाज माय फर्स्ट चॉइस, नॉर्मली दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, एंड लोग समझते नहीं है कि कैसे एक फीमेल होके इसने आईपीएस पहली ऑप्ट कर लिया, एंड नॉर्मली आईपीएस जो है वो सेकेंड या थर्ड चॉइस रखी जाती है, आईएएस इज प्रेफर्ड मोर, तो वो थोड़े से बैकलैशेस वगैरह सोसाइटी से कभी परिवार से होते रहे, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चॉइस एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई सर्विस। हेक्टिक है, सारी चीजें हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सपना देखा था बचपन में और उसे साकार किया और उसमें काम कर रही हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी। मैडम माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया, बिहार में कहाँ से आती हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हैं? अच्छा, मुझे बिहार सुनाई दिल्ली दिया से, था, आप दिल्ली से? नहीं नहीं दिल्ली में, दिल्ली से। जी। अच्छा, आपने ढेर सारे ट्रैक्टर भी, ढेर सारे व्हीकल भी जब्त किए हैं, तो क्या आपको लगता है इसके, इनके नेक्सस को, माफिया के नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या वो कौन सी कड़ी है, कमजोर कड़ी है जहां पे आप सक्सीड हो सकती हैं? देखिए इसको मतलब मेरा बहुत छोटा पीरियड रहेगा यहाँ थाना प्रभारी का, तो मैं ये तो आपको नहीं बोल सकती कि मैं 100% जो है ये नेक्सस तोड़ पाऊंगी। जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस में है, मेरे से एक्सपेक्टेड है कि मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ और मोटर व्हीकल एक्ट में जो कार्रवाइयाँ होती है वो मैं कर रही हूँ, वो मैं करती रहूंगी। बाकी कॉपरेशन में ये होता है कि मेरे सीनियर ऑफिसर जो पुलिस विभाग से हैं, दूसरे विभाग से माइनिंग ऑफिसर है, एसडीएम सर हैं, तो हम लोग जो है मीटिंग्स भी लेते रहते हैं इनकी, तो जैसे लास्ट वीक भी हमने एक मीटिंग की थी जहाँ पे हमने सारे क्रशर्स ओनर्स को बुलाया था, उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए थे कि ये आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं एंड आपको जो है ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी, और उसके बाद उनको नोटिसेस दिए गए थे कि अगर आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो आप पे जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, तो एक सिस्टम है, धीरे धीरे आप जो है उस पर कार्रवाई करते रहे तो आई एक्सपेक्ट कि इम्प्रूवमेंट आएगी। मैडम, आपने जो काम किया उससे निश्चित रूप से आप जहाँ पे हैं वहाँ पे लोगों के हौसले, आपके साथ जो काम करें वो हौसले बुलंद होंगे, लेकिन आप क्या इंश्योर करेंगी, जैसा आपने कहा कि आपका टेन्योर छोटा रहेगा, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जब आप यहाँ पे नहीं होंगी तो आपके द्वारा किया गया काम वो, उसको भी जारी रखा जाए, फिर से माफिया हावी ना हो पाए? देखिए एक बार अगर सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, पर ये है कि जब मेरा थाना प्रभारी का पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सीएसपीशिप होगी, उसके बाद एसपीशिप आएंगी, वो सारी चीजें तो हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट रहे या कोई और डिस्ट्रिक्ट रहे तो उसमें जो भी कार्रवाई होंगी वो तो हम करेंगे। बाकी सिर्फ मैं ही नहीं हूं ना इस सिस्टम का पार्ट, जैसे माइनिंग है उसका भी नेक्सस है, तो ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का भी तो अपना पूरा ग्रुप है ना, तो मेरे जो ऊपर अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि मेरे जाने के बाद भी, मतलब मेरे थाना प्रभारी पीरियड खत्म होने के बाद भी मेरे सीनियर्स इस पे जरूर काम करते रहेंगे, और जिस हिसाब से अगर मैं काम करूंगी और इस पे अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे तो मेरे जूनियर्स जो आएंगे या मेरे बाद जो आएंगे तो वो भी ये सिस्टम को बिल्कुल जारी रखेंगे, तो वो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है।
मेरा एक अंतिम का सवाल है मैडम, ये जो टेलीकास्ट अभी वो तमाम लड़कियां देख रही हैं, चाहे जो भी लोग देख रहे हैं, जो वो उनको आप क्या कहेंगे कि सिस्टम में जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको कैसे ब्रेक करने के लिए कहाँ से हिम्मत आती है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सिस्टम बेसिकली देखो, सिस्टम जो होता है उसका सभी पार्ट है. एक सोसाइटी है, उसमें माइनिंग एक एक्टिविटी है. सोसाइटी को लाभ भी है, उससे नुकसान भी है. पुलिस भी उसका एक पार्ट है. तो हम सब भी सिस्टम का चेंज आएगा तो सबसे आएगा. कुछ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ माइनिंग वाले हमसे कॉपरेट करेंगे कि भाई जो जो हमने रूल्स रेगुलेशन उनको समझाए हैं तो थोड़ा वो भी हमारे साथ कॉपरेट करेंगे. और कुछ जो माफिया है उनमें कुछ जो है डर की वजह से भी पीछे होंगे. तो सिस्टम में चेंज जरूर आएगा, धीरे धीरे आएगा, और वो हमें पूरी उम्मीद है कि आएगा. एक अंतिम का सवाल है, आप सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, क्या आपको लगता है ये एक टूल है जो कि लोगों में अवेयरनेस जो है फैलाई जा सकती है, अपनी बात कही जा सकती है, लोगों तक पहुंची जा सकती है? केवल रील देखना और रील बनाना ही सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया ये है कि मैं कई साल पहले मैंने सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया था, तो मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे हूँ वहाँ पे. और उस पे जो है नॉर्मली आई हैव यूज्ड इट एज अ पर्सनल ब्लॉग. ऑफिशियल मैंने चीजें बहुत रेयर ही शेयर करी होंगी, बहुत कम की हैं. तो अभी जब से मेरा थाना प्रभारी पीरियड शुरू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को समय ही नहीं मिलता है. तो जहाँ पे आपके 17-18 घंटे काम के हो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है सोशल मीडिया कहाँ क्या चल रहा है अभी. पर सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है जहाँ पे अपनी बात को रखा जा सकता है, पर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. तो बहुत सारे लोग जो है, मान लीजिए कि आपने कोई अच्छी कार्रवाई करी है, आप उसको पोस्ट कर देते हैं या कोई और वहां पे पोस्ट कर देता है, तो उसमें जो कमेंट है उसमें दोनों चीजें देते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें पॉजिटिव चीजें डाल और नेगेटिव चलता रहता है. पर सोशल मीडिया रियलिटी है, उससे आप बच के भाग नहीं सकते. आप उसको यूज करें ना करें, आपकी चीजें वहां तक जरूर पहुंचेंगी. जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला अनु जी, और मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये टेलीकास्ट अभी देख रहे होंगे वो जरूर आपसे प्रेरणा लेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फेलो अफसर्स भी जरूर आपसे सीखेंगे। हम आपके अच्छे फ्यूचर के लिए कामना करते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, इसी पे डिस्कशन हम करेंगे ब्रेक्स में आने के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एक लेडी आईपीएस अफसर पर, जो खनन माफिया ने जो उनको पर एक एक तरह से सर्विलियंस लगा रखी थी, जासूसी कर रही थी, किया जा रहा था उनका, उसको आदमी को पकड़ा है और खनन माफिया पर एक तरह से एक्शन लिया है। हमारे साथ अरविंद खरे साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एनडीटीवी पर। मैंने ये बातचीत की उस लेडी अफसर से, आपको भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि एक लेडी आईपीएस जो कि थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत है, जो रेत माफिया से वो हेड ऑन ले रही है। सुन रहा था जी मैडम, आईपीएस अफसर को सुन रहा था मैं. जी जी उनकी व्यथा अपनी जगह सही है. मैं सामान्यतः क्या होता है, भारती जी, रेत माफिया के पास दो ग्रुप होते हैं. एक तो पुलिस के सहायक ग्रुप होते हैं, तो पुलिस की उनकी सहायता करते हैं. एक होता है उनके विरोधी ग्रुप, जैसे मैडम थी, नई नई आईपीएस अफसर है, इस टाइप के बहुत से करीब 20-25% ऑफिसर होते हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते. उनके पीछे इसी तरह से ये आदमी लगा के रखते हैं 24/7. ये कब ये जा रहे हैं, कब ये दबिश के लिए जा सकते हैं, कब पकड़ने के लिए जा सकते हैं, तब इनकी अक्सर ये अक्सर होता रहता है. और पूरे मध्य प्रदेश में ये है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनके पीछे इनके वॉच डॉग जैसे ये ड्यूटी लगा के रखते हैं. तो इससे क्या होता है? मतलब आप अफसर की जासूसी करके क्या, मतलब आप यही चाहेंगे कि अफसर आपके खिलाफ एक्शन ना ले, यही ना? ये इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो खनन विभाग है इसका असली कर्ता धर्ता जिला जिलाधीश महोदय होते हैं. खनन जो ऑफिसर होते हैं, माइनिंग ऑफिसर, उनके अंडर में रहते हैं. पुलिस तो जबरदस्ती इसको, लोग जब पब्लिसिटी करते हैं, सब लोग प्रेशर बनाते हैं, तो पुलिस इसमें जबरन दखलंदाजी देती है, उनको पकड़ती है. सामान्यतः पुलिस के पास कोई अधिकार माइनिंग का डायरेक्ट है नहीं. ये कानूनी पैच है जो सुनने में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट और एक फिर माइनिंग की चोरी, 389 धारा लागे इसलिए कर लेती, जो प्रॉपर अधिकार पुलिस को जब तक नहीं मिलेंगे तो
मुझे खनन माफिया का जितना मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में जो इस टाइप के असामाजिक तत्व करते हैं उसमें लगाम नहीं लगी। और कलेक्टर का जो माइनिंग डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल उदासीन रहता है। तीन खदानें देते हैं नंबर एक में और चार खदानों में नंबर दो में वो स्वयं मिलके गड़बड़ी करवाते हैं। पुलिस को चूंकि क्या है, जब जनता बोलती है, आम जनता बोलती है कि पुलिस क्या कर रही है, तो पुलिस एवरेस्टी में मोटर व्हीकल एक्ट और 379 में कार्रवाई करती है। अधिकार इसमें सामान्यतः टेक्निकली लीगल जिलाधीश महोदय को है और माइनिंग अफसर को है। पुलिस अधिकारी को चाहिए कि जब भी रेड मारे माइनिंग अधिकारी के साथ करें। माइनिंग अधिकारी अवेलेबल नहीं होते। जब भी मैं भी रहा हूँ हाँ, इस विभाग में, जब भी हमें जरूरत पड़ती थी मैं कोशिश करता था माइनिंग अधिकारी हमारे साथ रहे ताकि वो विधिवत जब्त की कार्रवाई कर सके और जो लीज है उनकी खदानों की उनको निरस्त करते। पुलिस को इसका अधिकार नहीं। और अक्सर पुलिस की और प्रशासन की इसमें अंदरूनी 36 का आंकड़ा रहता है। तो कि आपने बहुत अंदर की बात बता दी खड़े सर आपने, कि किस तरह से माइनिंग वाले को मैं तो ढूंढते भुगता हूं ना हैं। सर, मैं तो अपने जीवन के जब से 10-15 साल से चला है धंधा, तो मैंने महसूस किया जो जमीनी हकीकत है वो बता रहा हूं आपको। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है ये मैडम कर रही हैं, और मैडम के अलावा उसको उस थाने में उस जिले में 500 पुलिस अधिकारी होंगे, 500 में 400 नहीं कर रहे होंगे, 100 मैडम जैसे होंगे जो कर रहे हैं। और इनको ऐसी परेशानी आएगी चूंकि इनके लिए या आप लोगों के लिए नई चीज है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया चलती है। वो लोग वॉच डॉग की तरह ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं कि कब कब घर से निकल रहे हैं, कब थाने से जा रहे हैं, करते हैं वो लोग। तो इसका मतलब इस और इसमें नेक्सस, राजनीतिक तो इसको इसके रोकथाम के लिए सबसे आवश्यकता है, जो फिर बोल रहा हूँ, एक बार पहले भी आपके चैनल पे मैं बोल चुका हूँ, राजनीतिक प्रबल इच्छा शक्ति थी। जिस दिन मध्य प्रदेश के सीएम हाउस से आदेश जाता है कलेक्टर साहब, कितनी भयानक स्पीड तेज होती है रोकने में कि मैं आपसे शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, अपने आप आधा अवैध खनन रुक जाता है। राजनीतिक प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही इनकी रोकथाम संभव है। पुलिस तो सहायता करती है, पुलिस का डायरेक्ट काम नहीं है माइनिंग का, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जहां लॉ का ब्रीच हो रहा वहां करना। लेकिन जबरदस्ती पुलिस एक्साइज वाले केस हुआ, माइनिंग वाले डिपार्टमेंट इसमें जबरदस्त अपना सामाजिक या उत्तरदायित्व अपना निभाती है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि माइनिंग का नेक्सस, विभाग का भी नेक्सस है, और कुछ कानून में भी जो है गलतियां हैं। वो कानून को, माइनिंग को यदि पुलिस के अंदर करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। देव देव जी, अब ये जो घटना हुई है और उस लेडी, अब आईपीएस से हमने इंटरव्यू किया, बातचीत की, और खरे सर भी, अरविंद खरे साहब भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। उनका कहना है कि पुलिस तो बाद में आती है, ये माइनिंग डिपार्टमेंट तो भाग जाता है जब पुलिस माइनिंग वाले को ढूंढते हैं तो, कि रेड मारने जाना है तो माइनिंग वाले मिलते ही नहीं है, और उसके बाद पुलिस जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, जो कुछ नहीं होता है। नहीं देखिए, ऐसा है सर कि वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे कभी वो रवि वहां पहुंचता है कभी। तो खरे साहब भी हमारे दोस्त हैं, हम जानते हैं, वो भी जानते हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पुलिस पहुंचती है। तो पुलिस का तो ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो माइनिंग डिपार्टमेंट की जो पोजीशन होती है, करोड़ों का व्यापार होता है, बल्कि अरबों का कहें, लेकिन उनका स्टाफ होता है 3.5 आदमी का। एक एक चपरासी होता है, एक गार्ड होता है, और एक जो है उनका माइनिंग अधिकारी होता है। तो वो ज्यादातर जो व्यवस्थाएं जुटाने का काम ही कर पाते हैं, जाके बोले बिना पुलिस के, वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी पोजीशन उनकी रहती है। तो इसलिए और पुलिस सबसे नजदीक भी होती है सर। एक एक जो माइनिंग ऑफिसर का जो काम होता है, निश्चित तौर पर माइनिंग के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेवारी माइनिंग डिपार्टमेंट की होती है, लाइसेंस रद्द करने के काम रहता है। लेकिन अगर किसी भी जिले की, अगर पूरे देश के जिले की स्थिति हम देखेंगे, तो कहीं भी जिले में 5 से लेके मैक्सिमम 10 लोग माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनमें बाबू भी होते हैं, जिनमें माइनिंग अधिकारी भी होते हैं, जिनमें उनके 3-4 सिपाही टाइप के लोग होते हैं, जिनके पास सिर्फ डंडा होता है और एक टूटी सी गाड़ी होती है। तो इनके सहारे अगर माइनिंग का नहीं किया जा सकता, उनकी सबसे बड़ी ताकत पुलिस होती है। और खरे साहब खुद भी जानते हैं कि बिना पुलिस के माइनिंग डिपार्टमेंट एक रेड नहीं कर सकता, और जहां करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जो है उनके द्वारा अटैक भी किए जाते हैं, न केवल यहाँ बल्कि फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में। अगर सर मैं मोटा मोटा आंकड़ा दूं, तो केवल ग्वालियर चंबल संभाग में
पिछले अगर 5 साल का हम आंकड़ा देंगे तो लगभग 130 के आसपास हमले हो चुके हैं, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी की जान भी जा चुकी है। तो इस तरह का उन लोगों का आक्रामक रुख रहता है, पुलिस पर भी आक्रमण करते हैं, वो ऐसा नहीं कि माइनिंग पर ही करते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि ज्यादातर जगह पर परिस्थितियों पर सही, लाचारी पर सही जी कारणों से माइनिंग के लोगों का और माइनिंग डिपार्टमेंट का अपना एक अच्छा रिश्ता रहता है और उसके कारण जो है ये धंधा कर पाते हैं। जी खरे बाबा, खरे साहब, जो जो बात देव जी ने कही कि पुलिस पे भी अटैक होता है, मारे भी गए हम, गाये बगाए सुनते हैं कि किस तरह से वो गाड़ी ही चढ़ा देते हैं, मतलब आप गाड़ी को रोके उसके पहले वो डंपर आपको रौंद के चला जाता है, ये तो बड़ा बड़ा डेंजरस काम हो गया बिल्कुल है। सही, देवश्री महाराज जी ने सही बोला। मुरैना में हुआ तो था एक आईपीएस टीएनी अफसर के साथ ट्रेजेडी, उनकी मौत हो गई थी, एक्सीडेंट चढ़ा दिया तो गाड़ी, पत्थर की गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो भी नए आईपीएस अफसर थे। वो डरते इसलिए नहीं है कि गाड़ी चढ़ाने का 304A होता है या 302 होता है, प्रूफ मिलता नहीं है। उनके लिए तो बहुत आसान है अपराध करना, एक अपराध को बचने के लिए दूसरा अपराध करना उनके लिए कॉमन बात है। और जो करने वाले वो नीचे स्तर के लोग हैं, असली उनके सरपरस्त लोग हैं, वो राजनीतिक या प्रभावशाली लोग होते हैं समाज के, जो उनको बचा लेते हैं पुलिस से और कोर्ट कचहरी से, अच्छे वकील करते। उनके लिए पुलिस अधिकारी या माइनिंग अधिकारी के साथ या एसडीएम के साथ मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सामान्य घटना उनके लिए, नेचुरल उनके बिजनेस उसमें आता है। मेरे ख्याल से जो देव जी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाना चाहिए। अकेला जो भी अधिकारी जाएगा, चाहे माइनिंग का हो, चाहे प्रशासनिक एसडीएम हो या पुलिस अफसर हो, उसके साथ रिस्क रहती है। चलिए ये मेरा एक पर्सनली तजुर्बा भी है और मैं जरूर चाहता हूँ कि जब भी ये कार्रवाई करें, चाहे ग्वालियर में करें चाहे कहीं पर भी करें, सामूहिक टीम बना के किए। जरूर देव जी, 40 सेकंड है मेरे पास संक्षेप में, जब तक सरगना को नहीं पकड़ेंगे तो छोटा मोटा रेड करके क्या करेंगे, जो जो बैठा है भोपाल में। सरगना तक नहीं पहुंच पाएंगे पुलिस वाले, बिल्कुल बिल्कुल सर, सरगना का इसमें नाम यही तो ना होता तो है। कोई टीवी अभी पे खरे ले साहब ने पाएगा भी इसी ना का एक सामान ले जिक्र पाएंगे। किया कि इसमें जो सरगना है वो कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं। ये तो एक तरह से, अब जैसे ये भी व्यक्ति पकड़ा गया है, मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर किसी की रैकी की जा रही है आईपीएस अधिकारी की या किसी पुलिस अधिकारी की, और मिनट टू मिनट उसकी लोकेशन शेयर की जा रही है, तो जो मामला उस दृष्टि से तो बहुत गंभीर है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो कुछ मतलब एक दिन में अगर उसने 50 लोकेशन शेयर किए हैं, तो उसके बदले में उसको 1 या 1.5 हजार रुपए या 500 से 1 हजार रुपए मिला होगा, तो वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन जो लोग करोड़ों रुपए का जो रेत, पूरी की पूरी नदियां खाली कर दी है जिन लोगों ने, जरूर उनको पकड़ा जाना जरूरी है। लेकिन उन पर हम सब जानते हैं कि उन पर जो है बहुत ही मजबूत हाथ रहते हैं, और वो जरूर। हाथ पानी, बारिश का पानी भी उनके उस सर पर नहीं आने देते। चलिए जी बाबा, खरे साहब आपका और देव जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज माफी चाहता हूँ, मेरे पास इतना ही वक्त है। तो ये कहानी हमने दिखाई है कि किस तरह से खनन माफिया जो है वो एक लेडी आईपीएस के मिनट टू मिनट जासूसी कर रहा था, उसकी लोकेशन एक आदमी जो है वो जो रेत खनन कर रहे हैं अवैध रूप से उनको शेयर कर रहा था। तो मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।